तो दोस्तों, ये मैंने दिवाली की अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैंने सुबह सुबह बेडशीट चेंज कर दी है दिवाली के दिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली आप सभी को। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों की दिवाली अच्छी रहे, सेफ रहे। और ये जैसा कि आपको पता ही है, दिवाली का रिवाज है कि नई बेडशीट बिछाई जाती है। तो औरों का तो पता नहीं, हम तो हर साल नई बेडशीट ही बिछाते हैं। तो ये मैंने बिछा लिया है, अभी नीचे की बाकी है, वहाँ भी बिछानी है। तो उससे पहले मुझे किचन की सफाई करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी लेट हो जाता है, फिर कल भी काफ़ी लेट हो गया था। तो पहले की सफाई कर लेते हैं। तो ये मैंने और मेरे यशमीत ने, यानी कि मेरे गुड्डू ने, हम दोनों ने किचन को जो है अच्छी तरह से साफ कर दिया है। किचन का फर्श जो है काफ़ी पोचा तो हर रोज़ लगता है, पर किनारी जो है वो थोड़ी सी गंदी रह जाती है, थोड़ी थोड़ी काली हो जाती है। तो मैं और गुड्डू ने सारा फर्श जो है वो अच्छे से लाइज़ोल डाल के ब्रश के साथ साफ कर दिया है, और काफ़ी चमक गया था फर्श एकदम। तो फ्रेंड्स, किचन तो मैंने साफ़ कर दिया है अपना अच्छे से, और अब मैं मम्मी के रूम की भी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बेडशीट वगैरह सब चेंज हो गई हैं, और अब मैंने झाड़ू भी लगा दी है उसके बाद, और अब मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। अब शाम का टाइम है, 4 बजे हैं, और मैं अभी बंदरवाल जो हम लेकर आए थे लोकल मार्केट से, अपने यहीं से वो मैं अब लगा रही हूँ। अपने तीनों दरवाज़ों पर मैं लगा दूँगी।
दिवाली के लिए अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि विनय हमारे घर से आया था दिवाली के लिए। तो फ्रेंड्स, उस दरवाजे पर तो मैंने ये बंदरवार लगा दिया है, पर इस दरवाजे के लिए बंदरवार नहीं मिला, क्योंकि ये तो जो दरवाज़ा है ये काफ़ी चौड़ा है, इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, तो इसके साइज़ का बंदरवार नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैंने ये शुभ लाभ लिया है, इस तरह से ये लटकन टाइप में हैंगिंग टाइप में मैंने लिया था, क्योंकि मैंने टेप से चिपका दिया है। तो अब मैं बना रही हूँ रंगोली। रंगोली बनाने के लिए जो डिज़ाइन आते हैं वो मुझे नहीं मिले यहाँ लोकल मार्केट में, तो मुझे हाथ से ही नॉर्मल जो मुझे आती थी जैसी वैसी मैंने रंगोली बनाने की कोशिश की, और मेरे साथ में यशमित ने भी अलग से रंगोली बनाई थी, उसकी फ़ोटो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा यशमित आ गया है बार बार कलर मांगने के लिए, सारे रंगोली के कलर जो है इसने वेस्ट करवा दिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा यशमित अपनी रंगोली बना रहा था, और ये मैंने बनाई थी जिसका मैंने बाद में मैंने पिक ली थी, तो ये अभी भी और रंगोली बनाने के मूड में है। तो ये हम लक्ष्मी जी के पैर बना रहे हैं, वीडियो नहीं आई क्योंकि मेरा गुड्डू वीडियो शूट कर रहा था, तो उसने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है ना गुड्डू। तो ये हमने लक्ष्मी जी के पैर बना दिए हैं। तो अब हम तो अब मैं और यशमित कर रहे हैं दिए लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ये बाती दियों में लगा रहे हैं, और मेरे हाथ बिल्कुल लाल हो गए हैं, जो कि मैं लक्ष्मी जी के पैर बना रही थी तो वो बिल्कुल हाथों पे बिल्कुल ऐसे रच गया है।
तो अब डैडी जी लक्ष्मी पूजा करने के लिए बैठ चुके हैं और उनके साथ में हमारा यशमित भी बैठा है जो कि काफ़ी खुश लग रहा है पूजा में। पूजा हमारी हो गई है अच्छे से और अब है पटाखे जलाने की बारी। तो पटाखे हम नहीं लेकर आए क्योंकि मुझे खुद पटाखों से डर लगता है और हम अपने यशमित को भी नहीं सिखाएंगे कि पटाखे जलाए, पर थोड़ा सा शगुन तो करना पड़ता है। तो हम इसके लिए फुलझड़ी वगैरह लेकर आए हैं जो कि ये तो फुलझड़ी से भी डर रहा था। तो काफ़ी टाइम लगा इसे ये सेट करने में, इसको समझाने में कि ये सिर्फ फुलझड़ी है और इससे कुछ नहीं होगा। तो ये यशमित की दादी फुलझड़ी जला के दे रही है इसको, पर ये काफ़ी देर बाद इसको समझ में आया कि हाँ ये किस तरह से छुटाते हैं फुलझड़ी, कैसे जलाते हैं और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाथ वाथ नहीं जलेगा। नहीं तो इसको हाथ लगाने में भी डर लग रहा था। तो फ्रेंड्स आइस लास्ट में यशमित को फुलझड़ियों का जो डर था यशमित का वो निकल गया और उसने बाद में काफ़ी इंजॉय किया और उसने खूब सारी फुलझड़ियाँ जलाई और काफ़ी उसने इंजॉयमेंट की। तो ये था फ्रेंड्स हमारा छोटा सा दिवाली व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हमारी दिवाली काफ़ी अच्छी रही, आप लोगों की दिवाली कैसी गई ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज़ ब्लॉग।